वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। अपने इसी संकल्प को पूरा करते हुए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को इसमें एक और कड़ी जोड़ी। सरकार ने पंजीकृत 23,256 निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की राशि भेजी। ये राशि उन निर्माण श्रमिकों को जारी की गई है जो बीते साल प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य बंद हो जाने के बाद प्रभावित हुए थे। ये राशि बीते नवंबर महीने में ही आवंटित कर दी गई थी, लेकिन बैंक खातों में तकनीकी दिक्कतों की वजह से कुछ निर्माण श्रमिकों तक ये राशि पहुंच नहीं पाई थी। ये राशि उन श्रमिकों को वितरित की गई जो 24 नवंबर 2021 तक दिल्ली बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको बता दें, बीते साल नवंबर महीने में वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिस वजह से इन श्रमिकों की आजीविका में रुकावट आई। और इसी के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने हर पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।